हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में होता है या बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आता है आफ्टर ट्वेल्थ, अगर वो नर्सिंग करना चाहते हैं कि कौन सा बेटर है, विच इज़ बेटर, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि मैम क्या ज़्यादा अच्छा है, बीएससी नर्सिंग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर जीएनएम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फ्यूचर में जॉब स्कोप किसका ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी नए अपडेट्स हों आपके तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाए। और हाँ, मेरा एम किसी को भी डीमोटिवेट करना नहीं है या फिर किसी भी आपके कोर्स को ख़राब कहना या फिर इस तरीके का नहीं है, बस मैं आपको जो क्लियर कट चीज़ें हैं वो बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इसको कोई भी पर्सनली ना ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जीएनएम। जीएनएम होता क्या है? देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप नर्सिंग फील्ड में आ रहे हो तो आपके अंदर केयरिंग सर्विंग वाली जो फीलिंग्स होती है वो होनी चाहिए। आप भले ही कोई भी कोर्स करो, आप एएनएम करो, आप जीएनएम करो, आप बीएससी नर्सिंग करो, आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आप नर्सिंग फील्ड में आ रहे हो तो आपके अंदर केयरिंग वाली जो फीलिंग होती है वो होनी चाहिए। आपके अंदर होना चाहिए कि आप एज अ नर्स किसी को कैसे करके ट्रीट करोगे। बाकी आपके जो ये डिफरेंस होते हैं जीएनएम बीएससी नर्सिंग, ये तो आपके आगे चल के आते हैं। तो ठीक है, हम बात करते हैं जीएनएम की। तो आपको जीएनएम की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, ये आपका क्या होता है, 3 इयर्स का आपका कोर्स होता है। ये आपका डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये आपका 3 इयर्स का कोर्स होता है। इसमें ही आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूड होती है 6 मंथ की। वहीं बात करें तो ये आपका डिप्लोमा कोर्स है, ये आपका डिग्री कोर्स नहीं है। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स है, आपको नर्सिंग में डिप्लोमा मिल जाएगा। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है तो इसमें क्या रहता है आपका कि 17 to 35 years आपकी एज होनी चाहिए इसके अंडर में, और आपने 10th + 12th किसी मान्यता पर आप बोर्ड से करना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ PCB ही कराओ तो आप कर सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे चेंजेस ऐसे आए हैं कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी, वो भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ आप PCB ही करे हुए हो। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें, तो देखो इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ अलग से पढ़ाया जाता है, बीएससी नर्सिंग वालों को कुछ अलग पढ़ाया जाता है, बहुत ही सब्जेक्ट से डिफरेंट जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपका डिफरेंस कहाँ आता है, सब्जेक्ट्स वही होते हैं लेकिन जीएनएम में आपको वो ब्रीफली पढ़ाए जाते हैं, इतनी डेप्थ में नॉलेज नहीं मिलती आपको किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इतनी डेप्थ में नॉलेज नहीं होगी। आपको वो हर चीज़ पढ़ाई जाएगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक पेशेंट को केयर देने में, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, लेकिन उसमें आपको ब्रीफली पढ़ाया जाता है वो सब कुछ, इन डेप्थ नॉलेज आपको नहीं दी जाती है। देन नेक्स्ट बात कर लें इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो देखो अगर आप प्राइवेट से करते हो तो आपका जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, कोई सा भी कोर्स हो, आपका बहुत ज़्यादा हाई फीस जाने वाली है। लेकिन आप गवर्नमेंट से कर रहे हो तो आपको डिफरेंस आता है फीस में, पर बहुत ज़्यादा नहीं आता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, बट हाँ थोड़ा डिफरेंस आ जाता है आपके बीएससी नर्सिंग की फ़ीस में और आपके जीएनएम की फ़ीस में। देन नेक्स्ट बात कर ले सैलरी की। देखो सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी मतलब स्टूडेंट कोई कोर्स करता है या वो 12th के बाद में जाता है किसी भी स्ट्रीम में, उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि उसकी सैलरी कैसी रहने वाली, जॉब स्कोप कितना है। तो देखो नर्सिंग में जॉब स्कोप बहुत ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने कोर्स किया है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात पता है कि इंडिया के सर्वे में इवन 10 लाख रजिस्टर्ड नर्स हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ आपकी 4 लाख जो है वो सर्विंग है, बाकी किसी ने जॉब छोड़ दी है, किसी भी रीज़न से वो सर्व नहीं कर रही हैं। तो इसलिए अगर आप देख सकते हो कि डेली टू डेली कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है आपका, तो आपके साथ साथ बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं तो आपकी नर्सिंग स्टाफ की जो है ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए आपका जो नर्सिंग में आप कोई भी कोर्स करते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका जॉब का स्कोप नहीं है, बहुत अच्छा स्कोप है। तो इसी में आपका जीएनएम में क्या होता है कि आप एज अ स्टाफ नर्स, एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, इस तरीके से आप जॉब कर सकते हो, आप क्लिनिकल एरिया में जॉब कर सकते हो। ठीक है, जीएनएम में होता है कि आप क्लिनिकल एरिया में कहीं भी जॉब कर सकते हो, और आपकी सैलरी रहती है स्टार्टिंग में वो 12,000 से लेकर 17,000 तक पर मंथ आपकी रहती है। तो यहाँ मैंने आपको इन शॉर्ट में डिफरेंस बताया है जीएनएम में कि आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होता है, आपकी उसमें ब्रीफली आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आपकी फ़ीस क्या होती है, आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी रहती है। अब बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग की। तो देखो बीएससी नर्सिंग क्या है, आपका 4 ईयर का कोर्स है, ये आपका डिग्री कोर्स है।
ठीक है, आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है आपका ये, इसको करने के बाद में आप एक डिग्री होल्डर बन जाते हो। ये आपका 4 ईयर का होता है, इसी में आपकी 6 मंथ की इंटर्नशिप भी इंक्लूड होती है। वही बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए PCB में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। वही बात करें इसमें तो आपका देखो उसमें क्या था, आपको ब्रीफली पढ़ाए जाते थे, लेकिन इसमें सारे सब्जेक्ट्स जो होंगे आपको उसमें इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा हर एक टॉपिक की आपको क्या होगी, इन डेप्थ नॉलेज होगी। बात करें फीस की, तो देखो अगर BSc नर्सिंग आप प्राइवेट से करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आपका हाई फीस जाती है, इवन आपका 10-12 लाख चला जाता है पूरे 4 ईयर में। लेकिन आप वहीं गवर्नमेंट से करते हो तो आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर कम हो जाता है, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है BSc नर्सिंग और GNM में, बट फीस इतनी ज़्यादा आपकी नहीं रहती है। वहीं बात करें सैलरी पैकेज की आपकी, तो देखो हॉस्पिटल्स पे भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ आपके क्लिनिकल में आपका कितना हाथ सेट है उस पे भी डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग में जो आपको पे मिलती है वो 20,000 से 25,000 के अराउंड आपको मिल जाती है, अगर आपका हॉस्पिटल अच्छा है तो ये आपकी पे रहती है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, अगर आप 12th करे हो, आप फ्रेशर हो, आपने ड्रॉप नहीं लिया है, कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई फैमिली रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आप अच्छा कोर्स करना चाहते हो, तो आप BSc नर्सिंग करो, क्योंकि ये आपका डिग्री कोर्स है। इसके बाद में क्या है, क्योंकि अभी ऐसा पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे न्यूज़ हैं और बहुत सारे आपकी चल रही हैं अभी मीटिंग्स कि आपके जो फॉरेन में भी GNMs को नहीं आने दिया जाएगा, ये आपके इस पर डिसीजन चल रहे हैं, अभी लिया नहीं गया है। साथ ही साथ जो आपके क्रिटिकल एरियाज़ हैं इंडिया में भी, जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं मतलब आपके OT हैं, आपके ICUs हैं, वहाँ भी BSc नर्सिंग को ही आपके अलाउ किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे जो आपकी पोस्टिंग्स होंगी वो BSc नर्सिंग की होंगी। तो अगर अभी कर रहे हो, टाइम है, सब कुछ है आपके पास, तो आप BSc नर्सिंग को प्रेफर करो। बाकी आपके कोई भी कोर्स ख़राब नहीं है, आप GNM भी करना चाहते हो, अच्छा कोर्स है, आपकी सैलरी अच्छी रहेगी, अच्छा आपका फ्यूचर स्कोप है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप BSc नर्सिंग करो। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी का क्लिनिकल में हाथ इतना अच्छा नहीं है तो वो BSc नर्सिंग करके टीचिंग में भी जा सकता है, वो एज अ टीचर किसी भी कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। तो यहाँ मैंने आपको इन शॉर्ट में डिफरेंस बताया, आई होप कि आपको समझ आया होगा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टेड आपके जो BSc नर्सिंग के बारे में फैक्ट्स हैं आपको वो पता चलते रहे। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा अब तक तो जाओ जाकर के ज्वाइन कर लो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।